जहां जो 129 प्रखंड जो सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र है और जो मानक में आए सुखाड़ के मानक में, जिन प्रखंडों में सुखाड़ है कम है लेकिन मानक में नहीं आया हो, जो भारत सरकार का मानक है वो मानक में नहीं आया लेकिन वहां भी सुखाड़ है, वहां भी बीमा का पैसा इस बार मिलेगा किसानों। और इसके लिए सभी जिलों से क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट मंगा ली गई है, विभाग उसको जल्दी बीमा कंपनी को मुहैया कराएगी और बीमा कंपनी जल्दी उस पर क्लेम सेटल करके और एक मोटा अमाउंट इस बार इस राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सरकार दिलाने का काम करेगी। सुखाग्रस्त 18 जिलों में 92 करोड़ रुपया अभी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल स्वच्छता विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। हर जिले को 18 जो जिले सुखाड़ प्रभावित है वहां 1-1 करोड़ रुपये की राशि भेज दी गई है ताकि वहां किसी भी तरह का कोई दिक्कत न हो। जहां तक राज्य सरकार ने अपने मद से 90% अनुदान पर 1,00,000 क्विंटल से ज्यादा बीज का वितरण हम लोगों ने कराए हैं, जिसमें गेहूं का बीज, चना, राजमा और मसूर दलहन उत्पादन की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने किए हैं।